हे, स्वागत है आप सभी का। मैं केपी सिंह एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ईडियम सीरीज को मज़े से और समझते हुए हर एक चीज़ को यहां पर एक एक वर्ड समझा रहा हूं मैं आपको। आपको एंजॉय भी हो रहा है, आप हंस भी रहे हैं और चीज़ें याद भी कर रहे हैं। साइकोलॉजी कहती है कि किसी चीज़ को हंसते हुए और खेलते हुए पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें याद रहती है और समझ में भी आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद फनी लैंग्वेज के साथ में इडियम्स को याद करते हैं। तो पहला इडियम्स है आज का हमारा एंड्स इन योर पैंट्स। एंड मतलब चीटी, इन मतलब मैं, योर मतलब तुम्हारे, पैंट्स मतलब होता है पैंट्स। तुम्हारे पैंट में चीटी घुस जाए तो आपको कैसा फील होगा? बड़ा मज़ा आएगा, गुलगुली होगी, है ओ माय गॉड। और तो नाचोगे, डिस्को की गाना चलेगा, वुड बी माय चमक चलो, इधर उधर डांस करोगे, है ना। तो यहाँ पर इंसान हो जाएगा रेस्टलेस। कैसा हो जाएगा? रेस्टलेस हो जाएगा। अगर पेंट में चीटी घुस जाए तो इंसान बिलबिल आ जाता है, यानी कि रेस्टलेस हो जाता है। एन आफ्टरनून फार्मर, अरे किसान आदमी 4 बजे उठकर ना भैया खेत पर चला जाता है, पानी लगाने लगता है। तो यहाँ पर ये तो ये कह रहा है आफ्टरनून फार्मर, अरे काय का फार्मर, वो दोपहर में खेत पर जा रहा है तो कैसा व्यक्ति होगा? एक्टिव होगा या लेजी होगा? लेजी पर्सन होगा। कैसा होगा? लेजी पर्सन। लेजी पर्सन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? लेजी पर्सन। ठीक है, बैक सीट ड्राइविंग, बैक सीट ड्राइविंग, बैक सीट ड्राइविंग की बात करें तो यहाँ पर आप चला रहे हो, ठीक है, और पीछे हमारे एक महानुभाव बैठे हैं। तो वो पता क्या कहते हैं, उनमें थोड़ी सी खुजली होती है उनके, ठीक है। खुजली क्या कि उनको चुपचाप नहीं बैठा जाता, ऐसे व्यक्ति होते हैं वो। तो बता, अरे ऐसा करियो आगे से राइट ले लियो रे बोलू, ठीक है, अगर लेफ्ट ले लियो और चांदनी चौक पर रुकी पकौड़े खाने, अरे तेरी एसएससी। तो यहाँ पर बैक सीट ड्राइविंग का मतलब होता है रॉन्ग इंडिकेशन। कैसा इंडिकेशन? रॉन्ग इंडिकेशन, यानी कि रॉन्ग इंडिकेशन देना, रॉन्ग इंडिकेशन। अरे भैया ड्राइवर है वो अपने आप पहुंचा देगा आपकी डेस्टिनेशन पर, आप क्यों उंगली कर रहे हो इसी में, है? तो यहाँ पर बर्न वंस बोट, आप ये बताओ तुम्हें जाना है अमेरिका बोट से, आप उस बोट को जला दोगे तो सारे पहुँच गए, तो सारे जो वापस लौटने के रास्ते हैं वो सारे बंद कर लिए। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा टू क्लोज, टू क्लोज ऑल वेज ऑफ रिटर्निंग। तो यहाँ पर लौटने के सारे रास्ते क्या कर लिए? बंद कर लिए, ठीक है। बटर वंस ब्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, भाड़ में जाए दुनियादारी, मुझे तो अपने ब्रेड पर मक्खन लगाने से मतलब है। क्या लगाने से मतलब है? मक्खन लगा के। तो कैसी लाइफ होगी, कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल? तो यहाँ पर आंसर होगा लिविंग, लिविंग ए कंफर्टेबल लाइफ, बंदा आराम की जिंदगी जी रहा है, ठीक है। चिकन हार्टेड, चिकन वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, पता है क्या है चिकन? चिकन मतलब होता है चूजा, मुर्गी का बच्चा, ठीक है। तो अगर उसके दिल की बात करें तो कैसा होगा? अगर मुर्गी का बच्चा है तो मैं एक बार करो हट तो वो भाग जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ हो शेर या शेर का बच्चा, तुम करो हट तो तुम्हें निकल जाएगा, समझ में आई बात? तो यहाँ पर चिकन हार्टेड तो हो जाएगा, पता है क्या? कॉवर्ड, ठीक है, और लॉयन हार्टेड क्या हो जाएगा? ब्रेव, ठीक है। तो उसके सामने मत करना भाई, ठीक, ऐसे करके नहीं तो हो जाएगा कल्याण। ईगल आइज, तो नैनों की यो बात, गाना सुना है नैनों की ये बात, नैना जाने रे गद्दी सी नैना लड़ाई लगी, अगर कोई दिख गई ना एक मलूप सी तो देखते रहेंगे जब तक आंख फूट नहीं जाए उसकी, तब तक ही देखता रहेगा बंदा, अबे बड़ी हालत ख़राब है लोग भाऊगी। तो ईगल आइज का मतलब होता है एक सरसरी नज़र से देख लेना, इससे सरसरी नज़र से देख लेना, तो उसको कहेंगे आ जनरल व्यू, आ जनरल व्यू, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। ड्रिंक लाइक ए फिश, अरे मछली दिन और रात पानी में रहती है तो पानी पीती होगी ना भाई, ऐसे ही आदमी आजकल दारू पीने लग गया है भाई, ठीक है।
बैचिलियन बन गया है, पियक्कड़ बन गया है, तो यहाँ पर ड्रिंक लाइक फिश मछली की तरह पीने वाला व्यक्ति दारूबाज होगा, तो यहाँ पर उसको कहेंगे ड्रंकन। क्या कहेंगे? ड्रंकन कहेंगे या फिर बैचिलियन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बैचिलियन, ठीक है, बैचिलियन बोल देंगे। कीप योर नोज क्लीन, अपनी नाक को साफ रखें। अच्छा, उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा बेटा अच्छी अच्छी खुशबू आती रहेगी। अच्छा, अरे नहीं, कीप योर नोज क्लीन का मतलब है अपनी समस्याओं का समाधान करना और परेशानियों से बाहर आना। तो टू गेट आउट ऑफ ट्रबल, आउट ऑफ ट्रबल, तो परेशानियों से बाहर आना, टू गेट आउट ऑफ ट्रबल। अरे हसमनी क्या है? हसमनी, अरे लाला जी, अरे नेताजी, बात सुन लो हमारी, एक काम करा दो हमारा छोटा सो। अच्छा, हंस हंस के, हंस हंस के, अरे लो 500 की सरकार दी। ठीक है, पुलिस वाले यानी कि किसी कांस्टेबल ने पकड़ लिया कोई, तो यहाँ पर उसको घूस देने की कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं पुलिस करप्ट है। भाई पुलिस करप्ट नहीं होती भाई, हम करप्ट हैं। ठीक है, हम खुद कहते हैं अरे कोई बात ना, लो चाय पानी। अबे तुम उसको चाय पानी दे रहे हो भैया, वो खुद क्यों मना करेगा, वो तो लेगा कोई भी हो, आप क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए हसमनी का मतलब भी होता है ब्राइब। क्या होता है? ब्राइब, रिश्वत देना। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि चींटी अगर पेंट में घुस जाए तो यहाँ पर मचल जाएगा, रेस्टलेस हो जाएगा। तो एन आफ्टरनून फार्मर, कैसा किसान है यार जो दोपहर में कहाँ जा रहा है, खेत पे जा रहा है, तो लीजी पर्सन है वो, वीक सीट ड्राइविंग, गोलू, बिना पूछे बिना ताचे इंडिकेशन दे ही जा रहा है कि ए लेफ्ट ले, राइट ले, और आगे जाके ठोक देगा वो उससे मैं आ गया। ठीक है, और बर्न वंस वोट, आप अमेरिका गए और अमेरिका जाके आपने कहा ले लो लगा दो आग, आप तो यहाँ से नहीं वोट ले जाएंगे, तो यहाँ पर आपने अपने सारे रास्ते जो वापस लौटने के वो बंद कर लिए हैं। तो यहाँ पर बटर वंस ब्रेड, अपने ब्रेड पर बटर लगाना, तो लिविंग ए कम्फर्टेबल लाइफ, ठीक है, आराम की जिंदगी जीना। चिकन हार्टेड, चूजे का जो हृदय वो होता है कायर यानी कि कॉवर्ड। और यहाँ पर ईगल आइज, गिद्ध जैसी नजर आदमी की, ए जनरल यू, सरसरी नजर से देख मत मुझे छोरे। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रिंक लाइक ए फिश, मछली की तरह पीने वाला आदमी यानी कि दारूबाज कहलाएगा, ड्रंकन बैचिलियन। ठीक है, और कीप योर नोज क्लीन, अपनी नाक को साफ रखना, इसका मतलब टू गेट आउट ऑफ ट्रबल, परेशानियों से बाहर आना। तो यहाँ हस मनी होता है, हंस हंस के पैसा दे रहा है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? ब्राइब हो जाएगा। ठीक है, रिश्वत का पैसा नहीं खाने का, ठीक, मेहनत करने का। ठीक, और आपको यदि ये idioms अच्छे समझ में आ रहे हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब और लाइक बटन को दबाएं, और ऑल्सो हिट द ब्लैक बेल आइकन। और आप सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत। और आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको पूरी सपोर्ट करूंगा, ये बात मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।